ये सब क्या हो रहा है और कहाँ की तैयारी है? ओहो मॉम, एक तो आप मेरी हर कही हुई बात क्यों भूल जाती हैं? भूल जाती हूँ क्या? तुमने मुझे कुछ बताया था? तुमने तो कुछ नहीं बताया। हाँ, मगर ये सूट के जरूर बता रहा है कि किसी लंबे सफर की तैयारी है तुम्हारी। जी तो सुनिए, आपको बताया था ना कि एडवेंचर चैनल में मेरा जॉब हो गया। तो तुम्हारा वीजा आ गया क्या? यस, और चैनल की प्रोजेक्ट हेड नॉर्दर्न एरियाज को असाइनमेंट करने आई है, उससे मिलने जा रहा हूं। लेकिन साबेस, वीजा तो इस्लामाबाद से प्रोसेस होगा ना? यस मॉम, लेकिन प्रोजेक्ट हेड से मेरा मिलना बहुत जरूरी है ताकि जॉब के कुछ डिटेल्स ले सकूं, टिप्स ले सकूं और अंडरस्टैंडिंग बना सकूं। इसके लिए मेरा जाना इंपॉर्टेंट है। मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आती, तुम इतने लंबे अरसे के लिए यहाँ से जा रहे हो। हाँ, अब कब वापस आओगे? अब कब तुम्हारी शादी करूंगी? तुम्हारे बच्चे कब होंगे? मैं दादी कब बनूंगी और उनकी सालगिरह कब होगी? आपका तो 10 साल का मंसूबा लग रहा है और ये सब मेरी वापसी पर ही मुमकिन होगा। और तुम्हारी वापसी कब होगी? वीजा प्रोसेस होने में 1 वीक तो लगेगा। अच्छा, जा कब रहे हो? मॉम, हो सकता है कि मुझे चैनल टीम के साथ ही वापस जाना पड़े। हद करते हो तुम। भाई मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हारे लॉज हैं, आयशा है, क्या तुम सबसे मिले बगैर ही चले जाओगे? मिल लूंगा मॉम, पहले मेरा काम तो जाने दें। और वैसे भी जिन चीजों का ज्यादा ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो काम अटक ही जाते हैं। सावेस, तुम और तुम्हारे प्रोग्राम मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आते। जाओ। मौसम
जब भी मिलता है तो मिलता है न मिलने की तरह, ये है क्या जिंदगी हर पल को तमाशा कर दे। चार मौसम हमारी मंगनी हुई है और मैं ये चाहता हूं कि तुम इसे तोड़ दो। इस तरह मोम सी जलती हूं, पिघलती हूं मैं। इस तरह मोम सी जलती हूं, पिघलती हूं मैं। जल के जो अम्मी के मामले में बहुत पुस्तिल हूं, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं कहूंगा कि एंगेजमेंट तोड़ दें तो वो एक हंगामा क्रिएट कर देंगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये हौसला तुम कर लो। अच्छा, कैन आई कॉल यू बैक अ बिट लेटर? आई जस्ट कॉल यू बैक, बाय। ये किससे हुआ है? जी, ये बीबी जी के हाथ से टकरा के गिर गया। अच्छा, इसको उठाओ, सफाई करो इधर। जी जा।